कोरोना वायरस को रोकने के लिए भारत सरकार ने लॉकडाउन का घोषणा किया है और अभी उस लॉकडाउन का एक हफ्ता हो गया है और उस हफ्ते का भी कुछ अनुभव भी सामने आए हैं। एक अनुभव तो ये ज़रूर है कि हर भारतवासी, देश के हर नागरिक ने पूरे तौर पर कठिन परिस्थितियों के बावजूद सरकार के वो तमाम आदेशों का पालन करने का उन्होंने प्रयास किया है और ये मैं समझती हूँ ये भारत की एकता का एक ये मिसाल है कि हर प्रांत के, हर भाषा बोलने वाले, हर वर्ग के साथी अपनी जिम्मेदारी समझकर सरकार के आदेशों का पालन कर रहे हैं। लेकिन आज एक हफ्ते बाद ये भी सवाल हमारे सामने आया है कि क्या भारत सरकार अपनी जिम्मेदारी पालन कर रही है। और दुर्भाग्यपूर्ण हमें आज एक हफ्ते के उसके बाद अनुभव से कहना पड़ रहा है कि मोदी सरकार ने कतई अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया। पहले बात यह है कि उन्होंने क्या समझ रखा है, मतलब 130 करोड़ के ये देश, 4 घंटे का नोटिस देकर उन्होंने कहा कि सब बंद होगा। दुनिया के बाकी देशों ने भी किया है लॉकडाउन, लेकिन कम से कम 1 से 3 दिनों का उन्होंने समय दिया अपने नागरिकों को उसकी तैयारी के लिए। क्या भारत सरकार नहीं जानती है कि 1 करोड़ से अधिक वो माइग्रेंट वर्कर है अलग अलग शहरों में, जो बेहद परेशानी में हो जाएंगे अगर लॉकडाउन होता है। वो खाएंगे क्या, वो रहेंगे क्या, बगैर पैसे की अपनी जिंदगी कैसे व्यतीत करेंगे, क्या ये सवाल उनको जानकारी नहीं थी। और आज जब इतना बड़ा ट्रेजेडी हो गया इसी देश की राजधानी में जहां हम लोग रहते हैं, कि हजारों की तादाद में डेस्परेट मजदूर, जहां उनकी लैंडलॉर्ड ने उनको बेदखल कर लिया, कहा कि नहीं तुम्हें निकलना पड़ेगा, जहां काम की तमाम जगह बंद हो गए, 4 घंटे के अंदर वो क्या करेंगे। वो बस स्टॉप्स पे गए, ट्रेन ढूंढे, बस ढूंढे, सोचा कि भाई गांव में जाकर हम लोग सुरक्षित रहेंगे, लेकिन अभी तमाम बॉर्डर सील हो गए। और आज माइग्रेंट वर्कर्स को, जो इस देश की श्रम शक्ति है, उन माइग्रेंट वर्कर्स के साथ जो भारत सरकार ने जो व्यवहार किया है, पुलिस को इस्तेमाल किया, बिहार में शेड में बंद रखे हैं, हरियाणा में जेल बनाए हैं, उत्तर प्रदेश में केमिकल के साथ स्प्रे किए हैं, क्या ये अपराधी हैं? देश के श्रमिकों को आप इस तरह बेइज्जत करेंगे, इस तरह आप ह्यूमिलिएट करेंगे, ये बिल्कुल गलत है भारत सरकार की ये नीति। और आज उनको पूरे क्वारंटीन में रखकर किस हालात में आज वो है हम समझ सकते हैं। इसलिए हम खंडन करते हैं उस नीति की जिन्होंने बगैर तैयारी के लॉकडाउन किया। और क्या पैकेज दिया, दुनिया में इवन सबसे बड़े पूंजीवादी देश जो सिर्फ मुनाफा समझते, वो भी समझ रहे कि इस समय इकोनॉमिक रीजंस के लिए, दया की बात छोड़ो, ह्यूमैनिटेरियन बात छोड़ो, उन्होंने कहा हमें देने की जरूरत है। और पूरी दुनिया में जो सबसे कम कैश ट्रांसफर्स हुए, कुल मिलाकर 35,000 करोड़ रुपया, वो हमारे देश के है। एक तरफ आप मजदूरों को अपराधी के रूप में व्यवहार कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपको एक पैकेज नहीं दे रहे। इसलिए हम लोग भारत सरकार से बार बार ये मांग कर रहे हैं, पैकेज को आप बढ़ाइए, कैश ट्रांसफर आप करवाइए, मिनिमम 3 हफ्ते के लिए 5,000 का आप करवाइए, और मजदूरों को इंसानों के रूप में आप ट्रीट कीजिए। ये हमारे देश की धन है, उनकी श्रम से धन बनता है, इस तरह उनके साथ मत कीजिए। और पूरे देश भर में हमारी पार्टी कार्यकर्ता नियमों को पालन करके हम लोग जनता के साथ खड़े हैं। आज हर जगह हमारा राहत कार्य जारी है, जहाँ जहाँ हम लोग पहुँचा सकते हैं हम कर रहे हैं। और हम अपने तमाम कार्यकर्ताओं से अपील करते, नियम का पालन कीजिए, राहत दीजिए, लेकिन नियमों के पालन के अनुसार, और इस देश को, इस देश की जनता को हमें इस कोरोना वायरस से बचाना है। यही आज हमारी अपील है।